गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे ईश्वर परमात्मा, तने जान सकल जहानी, पंडित मुरारी लाल सतगुरु बोलिए, खोड़ी धाम की बोलिए, नीली केसवार की आदर विमान सम्मान की ओर, हरियाणा प्रांत की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी गांव गामड़ी की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी बाबा के भक्तों को सबसे पहले मेरी और मेरी छोटी सी पार्टी की तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय बाबा की। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग के देव, कलयुग के रक्षक बाबा मोहन राम की पावन पवित्र ज्योति हर वर्ष की भांति गामड़ी गांव की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहां बाबा मोहन राम की ये पावन पवित्र ज्योति जगती है, वहां से कलयुग का विनाश होता, जमी पे खुशियों का आगमन होता है। आज बाबा ने अपने सेवक, अपने दास, अपने लाडले बेटे परम पूज्य हमारे गुरु जी महाराज के समान भगत भूप सिंह जी को और समस्त संगत को बाबा ने बड़ा खुशी का दिन दिया। बाबा ने आज अपने बच्चों के घर में अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई। इस कलयुग में जिस घर में बाबा की ज्योति जगती है, वो परिवार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन उज्जवल होता चला जाता है। उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, उस घर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। फिर यही कलाकार की बात, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कलाकार के चरणों में बैठने की भी लायक नहीं है। जो कुछ भी सीखा भक्तों के प्यार से, आशीर्वाद से सीखा, जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हो जाए तो अपना भाई बच्चा समझ करके क्षमा कर दे। लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, कहते हैं इस कलयुग में जो इंसान रोजाना भगवान का भजन नहीं कर पाता, कोई बात नहीं, अगर एक रात वो भगवान के चरणों में बैठे, क्योंकि सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार तुलसी ऐसे बंधु से मिली बारंबार। जिस भगवान ने लाखों करोड़ों शुभ कर्म करने के बाद ये मानव चोला हमें दिया है, हम अपना मनोरंजन हर प्रकार से करते हैं, अपने मन पसंदीदा गाने सुन के, कोई नाटक देख के, कोई फिल्म देख के, लेकिन कभी ये विचार करो कि जिस भगवान ने हमें हीरा सा जन्म दिया, जिसकी कृपा से हम हर प्रकार की मौज मस्ती ले रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है उसकी शरण में बैठकर एक रात बिताने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भाई ज्यादा समय लेते हैं, जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे हैं, उन्हीं को उतरा तो ये पावन घड़ियां भगवान के चरणों में बिताएं। आइए चलते हैं बाबा के दरबार। बाबा मोहन राम से विनती करेंगे, बाबा आज तेरी दूज का दिन है और हम ये जानते हैं कि आपका मुख्य दिन है। आज के दिन आपके करोड़ों बेटे बेटी आपके नाम के भवन सजाकर बैठे हैं। एक बार थोड़ा समय निकालो और अपने सेवक के घर पर बाबा नीले पे सवार होकर खोड़ी धाम को छोड़कर गामड़ी गांव में दर्शन देने के लिए चले आओ। आइए भगवान को बुलाएंगे और कहेंगे क्या। हेलो, भगवान को बुलाना है भाव से। जिस जिस
ने भगवान को भाव से बुलाया, परमात्मा नंगे पैरों दौड़े चले आते। आइए खादरी, और जितनी
वक्त यहाँ पर विराजी एक बाबा मोहन राम की बेटी भवनों में आई और अपनी सखियों से कहती कि बहना चलो आज गामड़ी गांव में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा मोहन राम आज वहां पर दर्शन देने के लिए जरूर आए। के बहना आज रात मुझे स्वप्न आया, स्वप्न में बाबा मोहन राम ने मुझे दर्शन दिया और कहा कि बेटी आज मेरी जोत गामड़ी गांव में जगेगी, मैं वहां पर दर्शन देने के लिए जरूर आऊंगा। ओ बाबा मोहन राम की बेटी अपनी सखियों के सामने बाबा का जिक्र करती है, आइए कैसे। ए सखी जी, जिस दिन मुडेरे पे बैठ कर काग बोले उस दिन घर आंगणी ये बाट देखे कि आज हमारे घर में कोई न कोई मेहमान जरूर आओगा। जी, और जिस दिन रोटी पोंती आना तवे पर रोटी मुझ जा उस दिन तक सारा कुणबा बाट दे। जी मालिक, क्योंकि सजन अच्छे सोन हो। हाँ जी, कैसे कैसे ए मारे बोले मुंडे हेरे पे काग मन है लागे आज मेरे मोहन जी आवेंगे। ए मारे बोले भक्ति ना दान से भक्ति ना दान से
और आइए हमारे अपने पूज्य आदरणीय गुरु कौशिक जी का यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत मान सम्मान हमारे गुरु जी श्री भूप जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी अपना आशीर्वाद प्यार देंगे। धन्यवाद जाता है सभी भक्तों का। बाबा का लाडला बेटा है भगत भूप जी, साक्षात बाबा मोहन राम इन पर विराजते हैं और बड़े से बड़े कार्य को इनके आशीर्वाद के द्वारा संपूर्ण कर देते हैं। और हमारा सौभाग्य रहता है कि भगतियों के दरबार में हमें दो शब्द गाने का हर वर्ष जो अवसर मिलता है। धन्यवाद। और हमारे हरियाणा किसान मेरे बड़े भाई परम पूज्य परम श्रद्धेय, मैंने कहा जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, भाई रणबीर बरवासनिया हमारे मध्य बैठे हैं। पाले राम जी धन्यवाद। धन्यवाद ये तो भीर है। अरे वाह। और हमारे माननीय बहुत ही पूजनीय हमारे गुरुजी राकेश जी के लाडले से शिष्य भीम भगत जी, हो बस भाई विकास बुरा मेरे बहुत ही छोटे दिल के अजीज, और हमारे भीम भगत जी का सम्मान करते हुए दोनों गुरु भाई हैं, एक बार तालियां बजाएं जोर से। जिन्होंने दरबार से खुशियां पाई है और अपने दिल का अरमान लेकर सम्मान लेकर हमारे भगत भूप सिंह जी का सम्मान करें, भाई पाले राम जी, भाई युद्धवीर जी, नहीं
हम सब की खाटू नगरी, हम सब की खाटू नगरी ग्रुप लडरावण से भाई दीपक जी, पूरा मंडल यहां पर आया है। भक्तों ने हर सुल्लास के साथ, जो भी भक्त इस दरबार में आया शायद उसके दिल से कवाल निकली। आइए मिलकर बाबा मोहन राम के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और कहेंगे क्या लगता है। इन भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। भाई किस किस को ये दरबार अच्छा लग रहा है,
ऐसे नहीं ऐसे, और जरा तालियों के साथ। मोहन का दरबार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का दरबार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। चरणों में नाचता है उसे 84 लाख योनि में किसी के आगे नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। मेरे मन में है बस ग्यारी यो खोली में बाबा के प्रति प्यार है, जरा तालियों के साथ। मेरे मन में बस गया है यो खोली आड़ारी, मेरे मन में बस गया है यो खोली आड़ारी, मेरे मन में बस गया है यो खोली आड़ारी। दो जगावन में गई मने आगे बैठा पाया री, दो जगावन में मैं गई मैंने आगे बैठा पाया री, मैंने आगे बैठा पाया री।
फोटू बन खिच प्यारी यो खोड़ी आला रे फोटू बन खिच प्यारी यो खोड़ी आला रे मेरे मन में बसी प्यारी यो खोड़ी आला रे किस्मत लिख गारी थोड़ी मेरी किस्मत लिख गारी थोड़ी